अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल द वर्टिब्रेट पेस्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट नॉन केमिकल मेथड यूज्ड फॉर रूडेंट कंट्रोल। नाउ वी विल लर्न द केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल द रूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोसाइड्स। बायोसाइड्स जनरली आर केमिकल कंपाउंड्स विच किल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दोज used against pests are known as pesticides. Biocides ऐसे chemical compounds होते हैं जो कि harmful living organisms को kill करने के लिए use किए जाते हैं। तो जो biocides specially pest के against use होते हैं वो क्या कहलाते हैं? Pesticides। अब pesticides भी जो है वो further categorize हैं, क्योंकि जो insect के लिए use होते हैं हम उसको कहते हैं insecticides। Those pesticides which are registered for their use against rats and mice are termed as rodenticides. तो जो pesticides specially rodents के लिए use होंगे वो क्या कहलाते हैं? Rodenticides। Ideal rodenticides। अब ये कुछ characteristics हैं जो कि एक ideal rodenticide या toxicant में होनी चाहिए। Number one, it should produce painless death। ठीक है, हमने animal ethics को मद्देनजर रखते हुए अपना toxicant use करना है जिससे जो है वो एनिमल की जो डेथ है वो रेडिली हो जाए और पेन जो है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो। रेडिली डिग्रेडेड इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स। जो हम इंसेक्ट ये अपना रोडेंटिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो रेडिली डिग्रेड हो जाना चाहिए, उसकी डिग्रेडेशन जल्दी हो जानी चाहिए ताकि बाद में वो ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स के साथ कॉन्टेक्ट में आके टॉक्सिसिटी काज ना करे। कैन ईजीली काउंटरेक्टेड विद एन एंटीडोट। हम जो भी रोडेंटिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसका जो है वो एक एंटीडोट होना चाहिए और वो एंटीडोट के साथ काउंटरेक्टेड हो जाना चाहिए, मतलब उसका असर जो है वो कम हो जाना चाहिए और बल्कि ओवरकम हो जाए। ठीक है, इट शुड नॉट क्रिएट बेट शाइनेस। बेट शाइनेस क्या होती है कि अगर एक टॉक्सिकेंट हम दे रहे हैं बेट के अंदर और समटाइम्स मतलब कि वो टॉक्सिकेंट इतना इनइफेक्टिव होगा कि उसकी डिफरेंट डोजेस से भी जो है वो एनिमल को कोई इफेक्ट नहीं होगा पेस्ट को। ठीक है, पेस्ट उसको उसकी सब लीथल डोजेस लेगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा उस बेट के अंदर टॉक्सिकेंट को, तो फिर वो उस बेट से भी अवॉइड करता है। ठीक है, तो अवॉइडेंस ऑफ द पेस्ट फ्रॉम बेट इज कॉल्ड बेट शाइनेस। तो हमारा रोडेंटिसाइड ऐसा होना चाहिए जो कि बेट शाइनेस क्रिएट नहीं करे, मींस कि पेस्ट उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन बेट इट शुड हैव अ लॉन्ग सेल्फ लाइफ। बेट के अंदर जो हमारा टॉक्सिकेंट है रोडेंटिसाइड है उसकी अपनी जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, उसका इफेक्ट इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए उस बेट के अंदर भी। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। It should not create resistance or immunity to develop. ठीक है, जो हमने टॉक्सिकेंट प्रिपेयर किया है या हमने रोडेंटिसाइड यूज़ करना है वो ऐसा होना चाहिए कि पेस्ट उसके खिलाफ रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी डिवेल्प ना कर सके। रोडेंटिसाइड्स आर क्लासिफाइड इंटू फोर ग्रुप्स। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स अपने मोड ऑफ एक्शन की वजह से फर्दर डिवाइड करते हैं फोर ग्रुप्स। नंबर वन, एक्यूट और सिंगल डोज। क्रॉनिक और एंटी कोएगुलेंट्स। नंबर थ्री, फ्यूमिगेंट्स। नंबर फोर, केमोस्टेरिलेंट्स। नाउ फर्स्ट रोडेंटिसाइड इज एक्यूट और सिंगल डोज। एन एक्यूट रोडेंटिसाइड कैन बी लीथल फॉलोइंग द कंजप्शन ऑफ वन फीट ऑफ बेट। एक्यूट रोडेंटिसाइड या एक्यूट पॉइजन्स वो होते हैं जिसकी कंजप्शन एट वंस एक सिंगल डोज में ही पेस्ट जो है वो उसकी बाद में डेथ क्रिएट हो जाए। एक्यूट पॉइजन्स हैव बीन प्रूवन फेयरली इफेक्टिव बट एट सम टाइम दे कैन बी हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजन्स जो हैं इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी रिजल्ट शो करते हैं, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या होती है कि नॉन टारगेट स्पीशीज़ भी इससे इफेक्ट हो जाती हैं। इस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या नॉन टारगेट स्पीशीज़ जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं इस सबको हम जो है वो सिंपली सेकेंडरी पॉइजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो गुड एंटीडोट फॉर मोस्ट ऑफ दीज एक्यूट पॉइजन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केस के अंदर
जो है वो इसका कोई एंटीडोट भी जो है वो नहीं होता कि वो जो है इस पॉइजन को ओवरकम कर ले या काउंटरेक्ट कर ले. तो इस वजह से एक्यूट पॉइजन जो है वो हमें उसका यूज़ जो है वो लिमिटेड करना चाहिए. एक्यूट रोडेंटिसाइड्स कॉज डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ पैरालिसिस ऑफ CNS, फेलियर इन रेस्पिरेशन, कार्डिक इरेगुलरिटीज, हीमोलाइसिस, मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी एंड लिवर टिश्यूज. हेयर सम एक्यूट रोडेंटिसाइड्स. नंबर वन, जिंक फॉस्फॉइड. जिंक फॉस्फॉइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कमर्शियली अवेलेबल एज फाइनली डिवाइडेड डेंस पाउडर हैविंग ब्लैक और ग्रेश ब्लैक अपीयरेंस विद अ स्ट्रॉन्ग गार्लिक लाइक ऑडर. Zinc phosphide is effective against both urban and field rats. It is usually used at a strength of 1 or 2%. ठीक है, बहुत कम क्वान्टिटीज की यूज़ करनी है बेट को प्रिपेयर करने के लिए. जिंक फॉस्फाइड जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है फार्म के अंदर दूसरे भी जो एनिमल्स हैं या जो फार्म मैनेजर हैं उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर हम इसको यूज़ करते हैं. जिंक फॉस्फाइड की करेक्टरिस्टिक क्या है कि जिंक फॉस्फाइड जो है वो क्या करता है, लीवर के एंजाइम्स की डिस्ट्रक्शन कर देता है. तो जब लीवर के एंजाइम्स की डिस्ट्रक्शन होती है और दूसरा फिर ये कि जो उसके RBCs हैं वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि लीवर जो है वो उसकी बिलीरुबिन की सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर बिलीरुबिन की सेक्रेशन जब ज़्यादा होती है तो वो जॉन्डिस जो है वो प्रोड्यूस करता है पेस्ट के अंदर. और इसका जो है वो इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि विद इन फ्यू आवर्स जो है वो डेथ हो जाती है पेस्ट की आफ्टर बेट कंज्यूमिंग. नंबर टू, रेड स्क्विल. रेड स्क्विल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोडेंटिसाइड्स. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन अनियन लाइक प्लांट अर्जीनिया मेरिटिमा. ठीक है, रेड स्क्विल पाउडर इज प्योरली रेड एंड हैज अ ग्लूकोसाइड्स इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज इफेक्टिव टू किल वर्टिब्रेट पेस्ट. अब रेड स्क्विल क्या है, रेड कलर है, और ये इस प्लांट जो कि अर्जीनिया मेरिटिमा सी प्लांट है ये, ठीक है, उससे इसको जो है वो लिया जाता है. और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स है ग्लूकोसाइड्स. ग्लूकोसाइड्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर देते हैं, और ये जो ग्लूकोसाइड्स है हम पेस्ट की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है पेस्ट की. नंबर थ्री, वाइट आर्सेनिक. दिस इज़ ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पॉइजंस एंड स्टिल इन यूज़. It is particularly tasteless, insoluble in water and very stable in bait. White arsenic जो है वो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा use होती रही है और अब भी जो है वो use होती है, लेकिन इसके use पर बहुत ज़्यादा restrictions हैं क्योंकि ये toxicity जो है वो बहुत ज़्यादा cause करती है non-targeted species में भी, और इसकी वजह से इसको कम जो है वो use किया जाता है. और दूसरा ये कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नए टॉक्सिकेंट आ गए, तो इसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया जाता है इसको इसकी टॉक्सिसिटी को ओवरकम करने के लिए नॉन टारगेट स्पीशीज़ के अंदर. ठीक है, इसके बेट के अंदर साथ में टार्टर एमेटिक जो है वो भी मिक्स किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है. टार्टर एमेटिक क्या है कि ये जो है वो कुछ मेडिसिन के तौर पर लिया जाता है, और इससे फिर क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है अगर एक्सीडेंटली अगर ह्यूमंस ने या इसको इंटेक कर लिया है, तो इसके अंदर जो टार्टर एमेटिक मिक्स किया गया उसकी वजह से उस जो है फिर वो उसमें वोमिटिंग हो जाएगी, और इस तरह फिर जो है वो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा. नंबर फोर, बेरियम कार्बोनेट. बेरियम कार्बोनेट वॉज यूज इन रूडेंट कंट्रोल फॉर मैनी ईयर्स एंड इज स्टिल यूज बाई सम एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर अर्बन रैट कंट्रोल. ठीक है, बेरियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है. ठीक है, इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइजन क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पेट में मिक्स करने के लिए रूडेंट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो इसकी वजह से भी ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. रोडेंटिसाइड्स की जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है वो है एक्यूट और सिंगल डोज. नाउ द सेकेंड टाइप इज़ क्रॉनिक और एंटी कोएगुलेंट.
anticoagulant reduce and ultimately totally prevent the blood clotting ability of the blood, as well as causing damage to blood vessels. These toxicants inhibit the production of prothrombin. They cause death by competitively interfering with synthesis of vital vitamin K in the liver. ठीक है, ये जितने भी एंटीकोएगुलेंट होंगे ये क्या करते हैं कि विटामिन के की सिंथेसिस को ये स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और फिर डेथ हो जाती है पेस्ट की. ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है. अगर जो है वो सबसे पहले होता क्या है कि इंजरी इन द ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स क्लंप एट द वाउंड. जहाँ पे भी कहीं वेसल पे, ब्लड वेसल पे इंजरी होती है, प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर जो है वो क्लम्प्ड हो जाते हैं. प्लेटलेट्स रिलीज द थ्रोम्बोकाइनेज. ठीक है, ये एक एंजाइम रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में. ठीक है, अब थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में. फाइब्रिन जो है वो क्या करता है, क्लॉट फॉर्म्स टू प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस. अब इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि ये सारा जो फ्लो चार्ट है कि पहले प्लेटलेट्स आकर क्लम्प्ड हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रही है, विटामिन के की वजह से. अब जब विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होगी तो ये सारा प्रोसेस जो है वो यहीं पर आकर स्टॉप कर जाएगा. प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बनेगा ही नहीं, तो फिर जो है वो ना फाइब्रिन बनेगा और ना ही ब्लड क्लॉटिंग होगी. तो ये जितने भी एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं इनका रोल यही है कि ये विटामिन के की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और अल्टीमेटली पेस्ट की जो है वो डेथ हो जाती है. दीज आर सम एंटीकोएगुलेंट्स. नंबर वन, ब्रोमेथालीन, वारफेरिन, रेक्यूमिन, ब्रोडीफेकोम, फ्लोकोमेफेन. ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंटीकोएगुलेंट्स हैं और इन सब का रोल यही है कि इन्होंने विटामिन के की सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है. नंबर थर्ड है फ्यूमिगेंट्स. हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल. ठीक है, और इसमें फ्यूमिगेंट्स जो है वो क्या है, रोडेंटिसाइड्स की एक कैटेगरी है. फ्यूमिगेंट्स में क्या है, जनरली फ्यूमिगेंट्स आर यूज टू सप्लीमेंट अदर रोडेंट कंट्रोल टेक्निक्स. ठीक है, फ्यूमिगेंट्स जो है वो क्या है, सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है. हम रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी कोई मेथड अप्लाई किया होता है हमने और उसके उसको फर्दर जो है वो उसका रिजल्ट इफेक्ट अच्छा करने के लिए हम उसमें साथ में क्या कर देते हैं, फ्यूमिगेंट्स भी करते हैं यूज़. फ्यूमिगेशन इज़ डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू बी यूज्ड इन द बरोज ऑफ रोडेंट्स एंड टू सफोकेट देम एंड लॉस ऑफ विजन. ठीक है, ये फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे हम, कि रूडेंट्स के जो बरोज हैं वहाँ पर जाके इसका जो है वो लॉन्ग पाइप्स के थ्रू बरोज के अंदर जो है हम फ्यूमिगेशन करते हैं और फिर सफोकेशन क्रिएट हो जाती है पेस्ट के अंदर और लॉस ऑफ विजन. द गैशियस मिक्सचर आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉस्फेन गैस. या आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फ्यूमिगेशन हो रही है और जिसकी वजह से हम रूडेंट पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्रॉप्स और फील्ड्स के अंदर. नंबर फोर्थ इज केमोस्टेरोलेंट्स. दीज आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच टेम्परेरली और परमानेंटली स्टेरलाइज द मेल और फीमेल रैट. इन जनरल दोज वर्किंग ऑन फीमेल्स आर मोर इफेक्टिव सिंस दे स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस. ठीक है, फीमेल्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि उसमें एक प्रोडक्शन नहीं होगी और फर्दर जो है वो यंग वंस उसके प्रोड्यूस नहीं होंगे. रूडेंट्स जो हैं, रूडेंट्स आर मोर प्रोलिफिक ब्रीडर्स हैं. ठीक है, वंस फर्टाइल मेल कैन ब्रीड विद डजन ऑफ फीमेल रैट्स. तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके लिए केमोस्टेरोलेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. ये क्या करते हैं, ये फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर देते हैं. इसकी एग्जांपल है अल्फा क्लोरोहाइड्रिन इज अ सच अ कंपाउंड. ठीक है, ये एज अ मेल स्टेरिलेंट यूज़ होता है और ये एक एक्यूट टॉक्सिकेंट है जिसका फंक्शन ये है कि ये पेट में अगर इसको दिया है या इंजेक्ट किया है तो इससे क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल स्टेरिलिटी होगी, मतलब फर्दर
स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी, और ये सिंगल डोज में ही जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है और रूट एंड पेस्ट की जो है वो डेथ हो जाएगी।